अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल वेल एंड गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, मैंने गाड़ी का काम शाम करवाया, तो आज की वीडियो में हम बाइक का काम करवाएंगे। एक और प्रोजेक्ट आया हमारे पास, प्रोजेक्ट तो नहीं, खैर वो तो मेरे पास आती रहती है काम शाम, मैं ही उसके करवाता हूँ सारे, और उसका काम करवाएंगे। और देखो यार, बाल कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, देखो इधर इधर तक बाल आ रहे हैं। दाढ़ी भी नहीं कटवाई, दाढ़ी भी कटवाते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, पहले बाइक दे हैं ठीक होने, उसके बाद देखते हैं फिर हमारे पास क्या है काम करने को, वो भी साथ ही करते हैं। आओ चलें, पहले तो बाइक दे के आते हैं ना, और आप लोगों को दिखाता हूँ उस पर क्या क्या मसले हैं। तो जी, आपके भाई ने कहा चलो नाश्ता करके जाते हैं, नाश्ता करके आपके भाई ने शेव भी कर ली, और उस इतने में वक्त पैसे गिर गए। ये सब कुछ करते करते जी 5 बज गए हैं, और अब मैं जाने लगा हूँ यार, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो अब चलते हैं। वो जी नीचे आया हूँ मैं, तो मैंने देखा, मैंने तो अपनी बाइक को भी काफ़ी देर से पूछा नहीं है, लॉक है। खैर इसको बाद में देखेंगे, इसका बहुत लंबा काम है। सीट का हाल देखो, बिल्लियों ने क्या किया है, और ये वो खड़ी है सॉरी जेंडर मैंने चेंज कर दिया, ये वो खड़ी है जी बाइक, और ये इसकी चाबियाँ। ये तो भाई सबसे किसने वही दरवाज़ा मारा। अच्छा, सबसे पहले जी इसका हम MC भी चेंज करवाएंगे, ये हम किसी की फ्री में प्रमोशन नहीं करनी ठीक है, इसको तार के फेंक देते हैं। तो भाई ये इसकी हालत है, इंजन की हालत देखें कितनी गंदी है। ओवरऑल भी ना 2010 मॉडल है, हमेशा मैं इसका काम करवाता हूँ, जब भी आती बेचारी टूट फूट की आती है, इंडिकेटर भी टूट गया। अब इसकी वायरिंग करवाते हैं, इंजन के जैन वगैरह लगवाते हैं, ऑयल चेंज करवाते हैं, और बैटरी डलवाते हैं, सारा काम करवाते हैं। साथ साथ देखें आप लोग भी, मैं स्टार्ट की हुई है, ये इसके इंजन की आवाज़ है। ये जी इसका ट्रक जितना बड़ा है, इसका ये है हैंडल। तो जी काम वगैरह इसका शुरू हो चुका है, वायरिंग का पहले काम करवा रहे हैं, और ये इसकी नई बैटरी भी आ गई है जी इसकी, और फ्रंट अगले 2 इशारे नए लग गए हैं, और ट्यूनिंग वगैरह इंजन का काम बाद में होगा, क्योंकि अंदर पहले ही 2-3 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ घर, और काम उसका सिर्फ वायरिंग वगैरह करवाई है, और बैटरी वगैरह उसकी चेंज करवाई है, इंडिकेटर फ्रंट के 2 वो भी चेंज कराए हैं, मतलब वायरिंग के हिसाब से वो बाइक बिल्कुल ठीक है, और बाकी काम कल करवाएंगे, क्योंकि शाम हो गई, टाइम मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं 7 बजने वाले हैं, और अंधेरा भी हो गया, और मैकेनिक के पास टाइम भी नहीं, बाकी सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग इसका काम करवाएंगे। अभी जाते हैं और इसको सिर्फ वॉश करवा के आते हैं। The next day. So guys, आज है नेक्स्ट डे, और आज मैं बहुत लेट उठा, और अभी भी खैर मुझे नींद आई, क्योंकि पता तो लग रहा, लेकिन मैकेनिक ने कहा था सुबह 10 बजे आ जाना, और मेरे पीछे टाइम देखे क्या, और 4 बजने वाले हैं, और मैं अब जा रहा हूँ, नाश्ता वगैरह मैंने किया, उसका ऑयल चेंज करवाना है, उसके इंजन के जैन चेंज करवाने हैं, बस छोटा मोटा काम है, और बाकी मेन काम हमने कल करवा लिया था। ये भी इसका काम वगैरह हो रहा है, अभी इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, और बस ये पेट्रोल से साफ कर रहे हैं, और इसके बाद ये ओके हो जाएगी बिल्कुल। यार ये तारे खोल के साफ किए हैं अंदर, ये बल्ब ऑयल हो गया चेंज, प्लग भी हो गया साफ हो गया भाई जान, ठीक है, जैन जून भी हो गया चेंज। अभी जी इसका काम वगैरह हो रहा है, फिल्टर चेंज हुआ है, ऑयल चेंज हुआ है, इंजन के जैन वगैरह चेंज हुआ है, जो ऑयल लीक कर रहे थे इंजन से वो, और कल इसके बैटरी वायरिंग इंडिकेटर वगैरह चेंज हो रहे थे, मतलब काफ़ी इसका ओवरऑल जो काम था ना सारा ठीक हो चुका होगा। ये जी काम वगैरह इसका सारा हो गया है, अब ये बाइक रेडी है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी मसला नहीं है, और ये हमने इसका की चेन भी चेंज कर दिया, होंडा का लगा दिया, पहले MC भी बैंक का लगा हुआ था जीप, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिया, ये मैं अपने 125 पे लगा लूँगा। तो जी इसकी टैंकी के हालात बड़ी ख़राब थे, पहले वाला स्टिकर तो ये पड़ा हुआ अकड़ गया हुआ था, धूप में खड़ी हो गए, अभी ब्लैक वाला लगवाते हैं इसके ऊपर,
और वैसे ये इसके जेन्युइन टैंकी के अलावा है, पेंट पूंट सारा खत्म हो गया हुआ है, ये स्टिकर भी लग गया टैंकी। काम वगैरह हमारा हो चुका है सारा ए टू जी, बाइक अब टोटली रेडी है। और हाँ, एक और काम उसका रहता था वो मैंने करवा लिया, रिकॉर्ड नहीं मैंने किया। उसके रेड शॉक्स के पंप्स ख़राब थे, हमने पंप चेंज कर दिए हैं और अब बाइक बिल्कुल बिल्कुल एवन है, उसमें मतलब किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और बात की जाए टोटल कॉस्ट की बाइक पर, टोटल पैसे कितने लगे हैं, तो पैसे टोटल लगे हैं 7500 और सारी कैलकुलेशन करके हर चीज़ बीच में ऐड करके 7500 रुपये बने। इसका व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, पसंद आया ना आया सब्सक्राइब करना मस्ट है। एक दफ़ा वीडियो क्लिक होगी तो इसका मतलब सब्सक्राइब करके जाना है। तो इधर मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, बाकी इधर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह सून, कुर्बानी व्लॉग्स आएंगे अब, और वेट फॉर इट। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।